हैपनिंग तो आप हुआ करती थी उस जमाने में, अब इस जमाने में कहाँ गाना गा रही हैं? हैपनिंग, ये हैपनिंग, हैपनिंग, आई एम हैपनिंग, सॉरी टू से मैडम, यू आर नॉट सो हैपनिंग नाउ। वो भी क्या दिन थे जब आपकी एक मुस्कान पे लोग अपने दोनों जहां वार देते थे। क्यों प्रीति, सही कहा ना हमने? जब प्रीति की बॉलीवुड में एंट्री हुई तो बहुत शोर मचा यार, लेकिन अब तो शायद इनके आते ही सन्नाटा छा जाता होगा। लोग आपको पहचानते भी है कि नहीं? पता नहीं मैडम। अब आप एक बात बताइए, जब आपको फिल्में मिल नहीं रही हैं तो आप समझ क्यों नहीं जाती कि सुख भरे वो दिन बीते रे भैया, बुढ़ापे के दिन आयो रे। वी मीन यार, इसमें तो कोई भी अकल लगाने वाली बात नहीं है कि आपका पत्ता कटता सा नजर आ रहा है मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से। अगर आप अपने घुटनों पर, सॉरी, वी मीन दिमाग पर जोर डालेंगे, तब भी शायद आपको याद नहीं आएगा कि आपकी लास्ट हिट फिल्म कौन सी थी एज अ मेन लीड। अरे भाई, हमें भी याद नहीं है। सब इशारे इसी तरफ है कि आप में वो बात नहीं रही। इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री छोड़ो, आपने तो टीवी में भी अपना हाथ आजमा के देख लिया, पर हाथ कुछ नहीं लगा। और तो और, आजकल आप पर बोटॉक्स ट्रीटमेंट के भी एलिगेशंस लग रहे हैं। और प्रीति प्लीज पे अटेंशन, ये हम नहीं, आपके ही कोस्टार्स का कहना है। याद नहीं आपको एक शो पर तुषार कपूर ने क्या कहा था? दैट यू आर सिनोनिमस विद बोटॉक्स। लेकिन आपको कौन समझा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हाथ पांव मारना नहीं छोड़ती इंडस्ट्री में। इस उम्र में भी आप अपनी जवानी के जलवे दिखाने में लगी हैं। आपको क्या लगता है कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। बाज आ जाइए वरना कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो प्रीति सिंह ऑन अ काउंटडाउन नंबर 10।